ओके, वन टू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तैयार करने वाले हैं एक पैप वाली पोटास गन, वो भी सी क्लास पैप के साथ। ये जो सी क्लास पैप होती है ना, ये लोहे की पैप होती है और ये मोटी होती है। आम जो हम लोहे की पैप लेकर आते हैं वो पतली पैप ही होती है। अगर हमें स्ट्रॉन्ग चीज़ बनानी है किसी भी काम में, कोई स्ट्रॉन्ग चौस पैप चाहिए चाहे गोल पैप चाहिए, तो उसे सी क्लास पैप कहा जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं भाई, अभी मेरे पास एक छोटा सा पीस है, ये देखो, ये सी क्लास पैप का, ये 1.25 इंची पैप है सी क्लास की, तो ये इतनी मोटी है, ये काफ़ी मोटी है भाई। अगर इसकी हम पटास गन तैयार करेंगे ना, अच्छे से बेल्ट लगाकर तैयार करेंगे, तो ये कभी भी फटेगी नहीं और टूटेगी नहीं, ये दोनों कुछ, यानी कि ये क्रैक बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलो, अभी मैंने आपको बता दिया कि मैं एक पैप वाली पटास गन तैयार करने वाला हूँ, लेकिन भाई हमारे चैनल पर पहले एक वीडियो आ चुकी है, उसमें मैंने एक पैप वाली पटास गन तैयार की थी, लेकिन उसमें हमने जो पैप यूज़ की थी वो थी जिस्ती पैप, जो पानी सप्लाई करने के लिए यूज़ की जाती है वो पैप होती है। और वो जो मैंने पटास बनाई थी वो 1/2 इंच पैप से बनाई थी, और ये जो मैं आज पटास बनाने वाला हूँ ये 1.25 इंच है। कहने का मतलब एक इंच से 2 सूत कम, जिसे हम 1.25 इंच कह देते हैं, आपको पता ही होगा भाई। अभी मैं आपको बताऊँ तो मैंने पटास को तैयार कर रखा है, लेकिन अभी मैं आपको वो दिखाऊँगा नहीं, पहले आप ये देखो कि मैंने उस पटास गन को किस तरीके से तैयार किया है और कितना अच्छा बिल्ड लगा, ये सारा कुछ आप देखोगे। उसी तरीके से अगर आप बनाना चाहते हो तो बनाओगे तो बढ़िया बनेगी, और जब आप देख लोगे भी पटास गन बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा और इसे हम इसी वीडियो में ही चलाएंगे। तो पहले आप ये देखो हम उसे किस तरीके से तैयार करते हैं।
फाइनली दोस्तों हमारी न्यू पटास गन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलो अभी इसके बारे में जो जरूरी बातें वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस पैप के बारे में बात करते हैं, कितनी लंबी है। ये पैप मैं लेकर आया था 4 फुट, अभी 3.5 फुट इसकी लंबाई है और ऊपर को 6 इंच मैंने इसको मोड़ दिया, तो पूरी 4 फुट पैप यहाँ पर लगी है। और इसके बाद मेरे पास आ जाओ, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो मैंने शुरू में आपको बताया था इस पैप के बारे में, ये जो सी क्लास पैप है ये 1.25 इंच की पैप है, यानी कि 6 सूत, और इसमें मैंने जो सरिया डाला है ना ये 5 सूत का है। तो सरिया भी मैं 4 फुट ही लेकर आया था, यानी कि आप देखो 3.5 फुट अंदर है और 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बाहर को है। तो यहाँ पर हमने इसका मुट्ठा तैयार कर दिया और यहाँ इसके ऊपर ना हमने टिमरी लगा दी है, जो कि इसकी थोड़ी सी लुक चेंज कर देती है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है भाई चलाने के लिए। इसको अच्छी तरह से मैंने बिल्ट भरा है ताकि कहीं से भी ये थोड़ी सी भी ख़राब ना हो, डैमेज ना हो। वैसे भी ये डैमेज नहीं होगी, ख़राब यानी कि बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये सी क्लास पैप है। इस पर जो बिल्ड है वो बहुत बढ़िया होता है, जो मोटा लोहा होता है ना उस पर बिल्ड बहुत बढ़िया होता है, तो उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं होती है। तो ठीक है यारो, अभी हमारी ये जो पटास गन है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है चलाने के लिए, तो चलो अब इसे चलाते हैं। तो भाई अभी हम खेतों में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भाई फसल बीजने का काम चली जा रहा है। ये हमारे खेत हैं, यहाँ पर फसल बीजने का काम चली जा रहा है और पीछे किसी भाई किसान ने ना आग लगाई हुई है, धुआं धुआं हुआ पड़ा है। तो अच्छी बात यह है कि भाई मैं गॉगल लेकर आया था, अभी यार ये मैं लगा लेता हूँ, इसके साथ ना थोड़ी सी आँखों को प्रोटेक्शन हो जाएगी, जान के खेत सही से रहेगा, नहीं तो ऐसे आग मीती रहेगी, आपसे बात सही से नहीं कर पाऊंगा। तो ये हो चुका है भाई पहला काम। और दूसरा काम भाई ये है कि इस पटास को हम चलाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें आधे चम्मच के साथ चलाएंगे, पता चलेगा ये कैसे कितने बढ़िया ब्लास्ट करती है। और उसके बाद सीधा 1 चम्मच डालूंगा। 1 चम्मच डालने के बाद, यानी कि 1 चम्मच डालकर चलाने के बाद मैं 2 चम्मच या 1.5 चम्मच नहीं डालूंगा भाई। वो चल तो जाएगी लेकिन ये मेरे कान के बहुत ज़्यादा करीब रहती है और मुझे बहुत ज़्यादा साउंड सुनता है, इसलिए 1 चम्मच बहुत होता है। कहने के तो भाई ये आधे चम्मच से ही चलानी चाहिए, 1 चम्मच तो हाई लेवल ही हो जाता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में जो हमारी बिग पटास गन वाली वीडियो ना, उसमें हमने 4-4 चम्मच चलाए थे, उसमें मज़ा आ गया था, और ये 1 चम्मच के साथ भी मज़ा तो आने वाला है ही। तो चलो अभी काम की बातें पूरी हुई, चलो अभी पटाखे फोड़ना शुरू करते हैं। चलो भाई पटाखे फोड़ने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आधा चम्मच डालेंगे। चलो ब्रो डालो। तो सबसे पहले आधा चम्मच डाला जाएगा, आधे डालना भाई। ठीक है हाँ ठीक है ओके। तो भाई अभी आधा चम्मच इन्होंने डाल दिया। अच्छे से भाई, ठीक है, थैंक यू। ओके भाई अभी आधा चम्मच डाल चुका है, मेरे कान में कुछ भी नहीं लगा हुआ। रेडी डन। तो भाई अभी आपने जो ब्लास्ट देखा वो आधे चम्मच का था। अभी मुझे लग रहा है ना भाई हवा थोड़ी सी ज़्यादा चली जा रही है, इसलिए आपको अच्छे से नहीं सुन रहा होगा, बहुत ज़्यादा हवा चली जा रही है। तो चलो अभी वीडियो को ख़त्म तो करना ही है ना, आज हम खेतों में आए हुए हैं टाइम निकाल कर। तो चलो अभी 1 चम्मच चलाते हैं, आ जाओ फिर। चलो भाई डालो 1 चम्मच, अभी देखेंगे 1 चम्मच के बाद अगर इरादा हो गया तो 1.5 भी डाल सकते हैं। अभी 1 बार दिया इसने, ठीक है हाँ डाल दे भाई डाल दे। ये सिलाई बढ़िया सिलाई डाल दे यार, चल 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 सही, ओके थैंक यू ब्रो। तो चलो भाई चलाते हैं, 1, 2, 3। भाई पहले जो आपने देखा वो 1 चम्मच का कमाल था, जिसको मैंने हाथों में पकड़ कर चलाया, ये यार बैक मारती है। मैंने आपको बताया ना कि 1 चम्मच बहुत हो जाता है, तो अभी फिर से 1 चम्मच हमने डाल लिया। अभी मैं इसके ऊपर रख कर चलाऊंगा ताकि अच्छे से आप देख सको कि ब्लास्ट कितना तगड़ा होता है, और इसको जोर से मारूंगा जितना हो सकेगा, तो पता चलेगा सही से। चलो चलाते हैं। ओके भाई, 1, 2, 3। तो भाई अभी आपने 1 चम्मच का कमाल देखा और अभी हम 1.5 चम्मच चलाने वाले हैं। अभी देखेंगे भाई 1.5 चम्मच कैसे चलता है ना। चलो भाई डालो। ये हुआ आधा चम्मच। हाँ हाँ ठीक है भाई, हमारी टीम में ये पूरा चाहता है कि हाँ भाई ब्लास्ट पूरे तगड़े होते हैं, वो तो आप भी देख ही रहे हो है ना। अभी 1.5 चम्मच जो होगा भाई पूरा धमाकेदार होगा। हाँ ठीक है, पीक हिला देगा ऐसे। हाँ थोड़ा सा नीचे का, ठीक है ओके थैंक यू ब्रो। तो ठीक है भाई अभी 1.5 चम्मच हो चुका है, तो चलो भाई देखते हैं। 1, 2, 3। भाई धुआं बहुत ज्यादा बनता है यार।
तो भाई अभी हम लास्ट ट्राई करने वाले हैं दो चम्मच। जैसे हमने भी पहले डेढ़ चम्मच चलाया, एक चम्मच चलाया, ऐसे ईंटों के ऊपर रखकर ऐसे हमने पटास को चला दिया, वैसे हम दो चम्मच को भी चलाएंगे। और दो चम्मच चलाने से पहले एक मैं जरूरी बात करना चाहता हूँ। जैसे हमने भाई पिछली वीडियो में एक बिग पटास गन बनाई थी 5 फुट पैप के साथ, उसकी मोटाई 1 इंच थी, 1 इंच पैप सी क्लास पैप जो होती है उसकी हमने पटास गन बनाई थी, जिसमें हमने 4-4 चम्मच चलाए। भाई वो बेस्ट है इन सभी पटास से, जो ये छोटी पटास है ना उससे तो बहुत बढ़िया है। ये देखो अभी जब मैं इसे चलाता हूँ तो बैक साइड धुआं मोड़ देती है। अगर हम इसमें कुछ ज्यादा पाउडर डाल देते हैं तभी थोड़ा सा खतरा रहता है, जब हम इसे चलाते हैं तो बैक को मारती है वो सारी प्रॉब्लम भाई उस बड़ी पटास गन में निकल जाती है। ना तो वो बैक को धुआं मारती है और ना ही वो पीछे को झटका मारती है। बस उसका भाई यही होता है कि उसकी जो पैप होती है वो थोड़ी सी लंबी रखनी होती है, जैसे 5 फुट। वैसे मैं इनको भी मारी नहीं कह रहा, अगर हम इसमें आधा चम्मच या आधे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डालें तो ये बेस्ट है। अगर हम एक चम्मच, डेढ़ चम्मच, दो चम्मच चलाएंगे तो ये बेस्ट नहीं है भाई। वैसे ये फटेगी नहीं, इसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो हमारे ऊपर जो लोड पड़ता है ना वो थोड़ा सा गलत होता है ना भाई। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, मेरा फर्ज है, बाकी आप सभी को पता है क्या सही है क्या गलत है ना। तो ये बिल्कुल ओके है, बिल्कुल डन है। अभी हम इसमें दो चम्मच चलाएंगे तो आखिर रिजल्ट आ जाएगा, बाकी इसको कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रखकर बनाई गई है, तो चलो अभी दो चम्मच के साथ इसे चलाते हैं। अभी देख लो भाई, एक चम्मच, और ये गया दूसरा चम्मच। भाई मैंने आपको कहा था कि मैं एक चम्मच के साथ ही चलाऊंगा, लेकिन मेरा मन बन गया कि हम इसे दो चम्मच के साथ भी चलाएंगे, तो चलो अब इसे चलाते हैं। ओके 1 2 3। तो ठीक है भाई, अभी हमने दो चम्मच चलाए थे और आपने देखा कितना तगड़ा ब्लास्ट हुआ था। अभी दो चम्मच भाई बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अभी कहूँ तो धुआं आगे से भी निकला और पीछे से भी निकला। तो ये छोटा पैप छोटी होने के कारण ऐसा होता है कि भाई जो धुआं है ना वो बैक साइड आ ही जाता है, और हम भी बस हवा के दौर खड़े थे, जैसे हवा इधर से उधर को चल रही है तो माहौल ठीक था। तो ठीक है भाई, अभी आप पास आकर देख लो, अभी काम ये करने वाला रह गया। अभी देखो हमने दो चम्मच डाल के चलाए थे, यहाँ कुछ नहीं हुआ, देखो बिल्कुल ओके बढ़िया। ये जैसे मैंने आपको बताया ये सी क्लास पैप से बनी हुई है तो इसको कुछ नहीं होगा, तो अभी ये बिल्कुल जान हो चुकी है। तो भाई अब बारी आ चुकी है आपकी, आप कमेंट करके बताइए ये पटास गन आपको कैसी लगी। ये आइडिया पुराना हो चुका है, लेकिन अगर हम इस पर काम करते तो ये नया बन जाता है। अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर लेना, और हाँ भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब आने वाले नए नए प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो मैं आपको मिलूंगा एक नए प्रोजेक्ट के साथ। बाय बाय।